वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है प्रशांत और हाँ जी, आज हम लाए हैं इस टॉपिक को। तो बात है नारी सशक्तिकरण यानी गुंजन सक्सेना दी कारगिल गर्ल मूवी पे। ये वीडियो थोड़े वाइड चीजों पे बात करेगी, जिसमें पहले तो मूवी का प्लॉट एकदम समरी में है, फिर कैरेक्टराइजेशन और उसके बाद आएंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। हाँ, जिस चीज का इंतजार है वो मैंने डाला है, मजा आएगा, देख लेना। तो मूवी बेसिकली बेस्ड है एक्स फ्लाइट ल्यूटेनेंट गुंजन सक्सेना पे, जो कि हमारे इंडियन एयरफोर्स में पहली वुमेन यूनिट थी, उनका हिस्सा रही। हाँ, मतलब पहला बैच जो कि इंडियन एयरफोर्स में गई थी। और इन्होंने 1999 वाले इंडो पाक वॉर, जिसे कारगिल वॉर भी कहते हैं, उसमें भी हिस्सा लिया और काफी सारे मिशंस भी पूरे किए। मूवी का प्लॉट भी कुछ ऐसा बनाए रखने की कोशिश की गई, जिसमें जानवी कपूर ने गुंजन सक्सेना का रोल निभाया है और आप इसे एक बायोपिक कह सकते हैं। पर कैरेक्टर पोर्ट्रेल में जान जरा भी नहीं है। पूरी मूवी के दौरान जानवी को देख के ये लगेगा कि यार सच में शी इज प्लेइंग द रोल ऑफ एन आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर। अगर हम मूवी के बैकग्राउंड को हटा दें तो इनके एक्टिंग वर्क को देख के लगेगा कि ये बस एक नॉर्मल वुमेन एम्पावरमेंट वाली चीज चल रही है। और भाई साहब क्या ही कहने, अब एक तो पहले तुम सब मुझे कमेंट में जाके थैंक यू कहोगे, तुम्हारे लिए मैंने बैठ के 1.5 घंटे इस मूवी को झेला है। वैसे 1 घंटे 52 मिनट था, इसलिए कोई कमी मत दिखाना यार कमेंट में। तो मूवी बुरी नहीं है, बट इसे बकायदा बुरा बनाया गया है। बीइंग इन अ लीड रोल, जब आपको पता होता है कि सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम आपको ही मिलने वाला है, लोग आधे से ज्यादा वक्त आपको स्क्रीन पे देखने वाले हैं, तो जरा तो एक्सप्रेशन ला दीजिए ना देवी जी। नहीं, इन्होंने कतई एक ही एक्सप्रेशन हर इमोशन में घुसेड़ रखे हैं। एडिटर बारी बारी से सारी इमेजेस लगाओ जरा, तो देखिए ये है हैप्पी, ये है सैड, ये है इमोशनल, ये है एक्साइटेड, ये है क्राइंग, ये है टेंस्ड, ये है डिप्रेस्ड, ये रहा रेज और ये है काम। आय हाय 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 हाय, क्या ही एक्टिंग है इस पूरे मूवी में। अगर कोई बंदा सबसे बेस्ट रहा है वो एज एक्सपेक्टेड श्री श्री पंकज त्रिपाठी जी महाराज हैं। हमेशा की तरह फ्लॉलेस परफॉर्मेंस, और ये एज फादर फिगर कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं ये हमने पहले भी देखा है, जैसे कि इस मूवी में। ये क्या लगा दिए, हमने बरेली की बर्फी लगाने बोली थी बे। हाँ, तो इसमें तो उसी तरह इसमें भी त्रिपाठी जी का रोल काफी अच्छा रहा। इवन आप मूवी भी बस उन्हीं के वजह से देखिएगा, वरना और कोई पॉइंट नहीं दिखता इसे देखने का। खैर, अब आते हैं इस मूवी के मेन प्रॉब्लम की तरफ, जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड एस्पेक्ट। आप यहाँ पे एक बायोपिक बना रहे, वो भी किसी आम इंसान पे नहीं, फिर उसमें फैक्ट्स को थोड़ा बहुत चेंज नहीं बल्कि पूरा फिक्शनल बना दिए, वो भी इस हद तक कि उनकी बैचमेट्स और यूनिट ऑफिसर्स ने ये तक कह दिया कि इस मूवी का रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। दूसरी चीज, वुमेन एम्पावरमेंट और स्ट्रगल को दिखाने के चक्कर में इन्होंने पूरे इंडियन एयरफोर्स को निगेटिव साइड में दिखा दिया, और इस चीज के लिए इंडियन एयरफोर्स ने खुद CBFC को एक चिट्ठी लिखी कि आप इन सभी चीजों को हटाइए, क्योंकि एक या दो इंसान निगेटिव हो सकते हैं, बट आप मूवी में पूरे इंस्टीट्यूशन को ही निगेटिवली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मूवी में गुंजन को हर जगह कहा जाता है कि तू लड़की है, तू कमजोर है, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुझसे नहीं होगा। इवन IAF में इसका वेलकम तक नहीं किया जाता। वुमेन्स टॉयलेट नहीं होते, चेंजिंग रूम नहीं होती, उसके रूटीन सॉर्टीज कैंसल कर दिए जाते हैं, उसे अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती अपनी काबिलियत दिखाने के लिए, उसका इंसल्ट किया जाता है। इवन ये तक दिखा दिया कि उसके सीनियर ऑफिसर भी उसका इंसल्ट करते हैं। सच में वुमेन एम्पावरमेंट दिखाने के चक्कर में कुछ भी कर दोगे क्या? पता है, ये सब देख के मैंने सोचा कि यार जब इतना कुछ ये कर ही रहे हैं तो एक बार इस मूवी की डिस्क्लेमर देख लूं, शायद इन्होंने कुछ लिखा हो। तो एक तो 3 मार्क्स वाले आंसर से भी छोटा इन्होंने डिस्क्लेमर डाला है, जिसमें लिखा गया है कि ये मूवी गुंजन सक्सेना पे बेस्ड है और उनके लाइफ के कुछ हिस्सों को ड्रामेटाइज किया गया है एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने के लिए। ध्यान से सुनना, ड्रामेटाइज। अच्छा, तो तुम सब ऐसे करते हो, ड्रामेटाइज कर रहे हो या खुद अपने डिफेंस डिवीजन का दुष्प्रचार कर रहे हो? ये कहाँ की आइडियोलॉजी बनती जा रही है यार। इवन इस मूवी को लेके रिटायर्ड विंग कमांडर अनुपमा जोशी और रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर अर्चना कपूर, जो कि उनकी बैचमेट रही थी, उनका कहना है सॉर्टीज कभी कैंसल नहीं होती थी, हमारी ट्रेनिंग और ड्रिल सभी होते थे। इवन पहला बार था कि वुमेन इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुई थी,
इसलिए सभी हमें काफी अच्छे से ट्रीट करते थे। एयरक्राफ्ट की नॉलेज अच्छी हो उसमें एयरमैन भी हमारी हेल्प किया करते थे। 1994 बैच के इंस्ट्रक्टर रिटायर्ड विंग कमांडर आईके खन्ना, जो कि उस बैच को ट्रेनिंग देते थे, उन्होंने खुद मूवी देखने के बाद कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता था। इवन जब सभी कैडेट्स ट्रेनिंग के लिए आई थी, तब हमने अकेडमिक में खुद उनके लिए स्पेशल चेंजिंग और रेस्ट रूम भी बनवा दिए थे। जिस तरह मूवी में दिखाया गया कि गुंजन को भाग के अपने रूम में जाना होता था यूनिफॉर्म चेंज करने के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था कि फीमेल कैडेट्स को दिक्कत का सामना करना पड़े। इवन यहाँ तक रिपोर्टेड है कि ये मूवी के एंडिंग जैसी होती है कि गुंजन कारगिल वैली में अपने कमांडिंग ऑफिसर को रेस्क्यू करती है। ऐसा कोई मिशन कारगिल वॉर में कैरी ही नहीं हुआ था। उनके यूनिट ऑफिसर्स जिसमें संध्या सूरी थी, उन्होंने कहा है कि ये मूवी का तो खुद गुंजन से ही कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो उसके कैरेक्टर को भी सही से नहीं दिखा रहे। तो अब सवाल है, ये फेक फेमिनिज्म क्यों ये एक वुमेन की लाइफ को इतना ड्रामेटिक और स्ट्रगलिंग दिखाना चाहते हैं कि झूठे स्ट्रगल क्रिएट कर रहे हैं। एक लड़के की लाइफ दिखाना हो तो वो दिखाएंगे कि लड़का पैदा हुआ, थोड़ी गरीबी थी, फिर वो छोटी उम्र में काम करने लगा, फिर वो बड़ा आदमी बन गया। पर एक लड़की के लिए वो पैदा हुई, समाज से लड़ने लगी, जहाँ समाज साथ दे रहा है वहाँ भी लड़ने लगी। अबे पागल हो क्या, जहाँ सपोर्टिव है वहाँ तो रियलिटी दिखा दो। लेकिन नहीं, वो सब से लड़ेगी, घर से, परिवार से, समाज से, दोस्तों से, सगे संबंधियों से, वो सब कुछ करती है, पर साला कभी पढ़ाई नहीं करती। हाँ, ये दिखाते क्यों नहीं यार, एजुकेशन या एकेडमिक प्रॉब्लम जो कि एक रियल लाइफ में लोग फेस करते हैं, वो ये कभी नहीं दिखाते। इन्हें बस सोसाइटी से लेके, लोगों से लेके, हर वो चीज जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है, सबको बैश करना है। इवन उस चीज में ये इतना डूब जा रहे हैं कि ये तक नहीं देख रहे कि इसे रिप्रेजेंट करने के चक्कर में किसी दूसरे चीज को डिफेम कर दे रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स कोई पॉलिटिकल पार्टी या स्कूल कॉलेज नहीं है, इट्स अ डिफेंस इंस्टीट्यूशन, और आप उसे निगेटिव दिखा दे रहे हैं। और ऐसा ये करते क्यों है, क्योंकि यही तो बिकता है ना। हमें रियलिटी थोड़ी देखनी, हमें तो ड्रामा चाहिए, मसाला चाहिए। रियलिटी बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज तो कोई नहीं देखता, क्योंकि देखते तो वो डॉक्यूमेंट्रीज डिस्कवरी चैनल, नेट जियो या हिस्ट्री टीवी 18 पे नहीं, ऐसे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे आते। और इस चक्कर में ये सब प्रोडक्शन हाउसेस लगे पड़े हैं फैक्ट्स को तोड़ने मरोड़ने में। सीरियसली समझ नहीं आता कि इनके दिमाग में चलता क्या है। अरे भैया, वुमेन एम्पावर्ड है, वो आर्मी से लेके, एयरफोर्स से लेके, नेवी, इवन साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, बिजनेस वुमेन, सामाजिक कार्यकर्ता, सब है भाई। आप रियलिटी दिखाइए, हर चीज़ें प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, पर क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से वो लेटर अभी भी सबमिटेड है कि अगर आगे से डिफेंस पे कोई मूवी बनती है तो उसे पहले डिफेंस से नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेनी पड़ेगी, तभी वो रिलीज की जाए। तो गाइज, ये था आज का वीडियो। हम सभी जानते हैं कि इंडिया में कंटेंट कभी नहीं चलता, एट द एंड लोगों को बस मसाला और ड्रामा चाहिए, बट स्टिल हम उनके मनमानी को कम कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और कमेंट करके हमें ये बताएं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड अब इतनी मनमानी क्यों कर रही है। और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल ईबॉट को सब्सक्राइब कर लें, और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, मे द फोर्स बी विद यू। The force will be with you, always. And may the force be with you. May the force be with you. Remember, the force will be with you, always. The force is with you, young Skywalker. May the force be with you.